गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट टू कंस्ट्रक्ट मीडियंस और सिंपली वी कैन से टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, हमने देखा था वहाँ पे कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मीडियंस कैसे बनाते हैं. ठीक है, मीडियंस कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और एल्टीट्यूड्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो मीडियन होता क्या है पहले एक बार और बता दूं. मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और सुन लीजिए. मीडियंस इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स देखिए, यह ए बी वर्टेक्स है, बी बी वर्टेक्स है, सी बी वर्टेक्स है. द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग द साइड. बाइसेक्टिंग मीन्स दो बराबर भागों में बांटना. इट इज डिवाइडिंग द साइड equally in two parts. Okay, that is called bisecting. Okay, so this is called medians. Now what are the medians. देखिए A से D, D point लिया, ये बी डी, और अगर आप देखेंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी. ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी. तो ये क्या है, medians है जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, साथ ही साथ इस ट्रायंगल को भी दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है. अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एरियाज, सो एरिया बोथ द ट्रायंगल विल बी इक्वल. नाउ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स इज व्हाट, एल्टीट्यूड्स आर द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स. ठीक है, यहाँ भी डेफिनेशन का लाइन लगभग सेम है. The line drawn from any vertex of a triangle to its opposite side and perpendicular to the side. देखिए आप A, B, C, D, E, F. यहाँ पे A, D, B, E और C, F पर medians नहीं है. यहाँ पे क्या है, ये altitudes. Altitudes means you can say simply a height of the triangle. ठीक है, जब कोई base लेते हैं तो जिस साइड में जा रहा है वो जिस साइड में से परपेंडिकुलर है वो बेस हो गया और ये हाइट हो गया. तो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल है. तो इसका यूज़ करके आप एरिया निकालते हैं इजीली, है ना. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मीडियंस और हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मीडियंस इन अ ट्रायंगल. ठीक है, मीडियंस कंस्ट्रक्ट करना और मीडियंस से रिलेटेड एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सेंट्रोइड को याद होगा प्रीवियस वीडियो में. ओके, मीडियन से रिलेटेड एक पॉइंट होता है सेंट्रॉइड. व्हाट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इनसाइड द ट्रायंगल. ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जब मीडियंस एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल के अंदर या बाहर जहाँ भी हो, ठीक है, अंदर ही होता है, ट्रायंगल के अंदर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड. ओके, तो हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल में कहाँ पे होता है. ओके, सो आई हैव टेकन अ ट्रायंगल विथ सम मेजरमेंट. ठीक है, आपको यही मेजरमेंट का ट्रायंगल बना के करिएगा प्रैक्टिस में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कहते हैं, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा लेना है आपको आर्क. ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ आर्क लेंगे. ओके, मिटा दिया इसको, बनाया हाफ से ज्यादा आर्क लेना आपको. ओके, टेकिंग आर्क मोर देन हाफ. नाउ यू हैव टू जॉइन दिस वन, मिटा के बनाया इसको. नाउ जॉइन दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है, स्केल का यूज करके आपको जॉइन करना है इसको, इस तरह से रख के आपका एक मीडियन हो जाएगा. ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू जॉइन दिस वन. अच्छे से रखिएगा, एक्चुअली देखिए कैसे करेंगे हम. ठीक है, ये समझ में आया आपको. नाउ जॉइन द लाइन, इस तरह से आपको दोनों पॉइंट्स को मिला के ज्वाइन करना है. ठीक है, बस इसके लिए है. नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया एक लाइन पे, है ना.
आप दूसरा किसी भी आप इस साइड में भी ले सकते हैं या इस साइड में भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक ए सी एज अ साइड, ए सी एज अ बेस साइड, तो यहाँ पे भी हाफ से ज़्यादा लेना है आपको आर्क getting the point. Now next, from A, here not intersecting, so I will take more arc. Okay, कोई भी दो मीडियंस लेना है ना, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ये पॉइंट इंटरसेक्शन से यहाँ से, ओके। नाउ अभी मीडियन नहीं है ये, है ना, वी हैव नॉट ड्रॉन मीडियन येट, दिस इज वॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ आई विल ज्वाइन दिस वन, इसको ज्वाइन करूँगा मैं, ये जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो इस बी सी को हम कहाँ किससे ज्वाइन करेंगे, ए से, ओके। और यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन है, समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ से करिएगा, ठीक है। तो अब हो गया मीडियन, तो यहाँ पे आप डी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, तीन बनाने की जरूरत नहीं, टू इज इनफ, टू मीडियंस आर इनफ। अब दोनों मीडियन को आप देखिए कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, इस पॉइंट पे, इसको सेंड वो लिख लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तीसरा आप बनाओगे इस लाइन इस बेस से, तो ये भी वही आएगा, है ना, सेंट्रॉइड, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। आप देखना चाहिए देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कैसे बना है, बेस से हमने लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, हाफ से ज़्यादा यहाँ पे आर्क लिए दोनों तरफ इस पॉइंट से, फिर इधर से लिए, है ना, उसके बाद सी से इस तरफ के लिए, फिर ए से लिए, है ना, यहाँ कट किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसको हमने ज्वाइन किया, देखिए इस यहाँ से हमने ज्वाइन किया हुआ है, फिर इधर से हमने ज्वाइन किया हुआ है, ओके। तो ये दो मिड पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, मिड पॉइंट्स आपको ढूंढ के देगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स हमारे मिडिल में लिया है बी सी और ए सी का, ठीक है। मिड पॉइंट्स को क्या करना है, बी से ज्वाइन कर देना है, ए सी के मिड पॉइंट को बी से ज्वाइन करना है, बी सी के मिड पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये ए डी हो जाएगा, यहाँ पे बी ई हो जाएगा, दो मीडियंस है, दिस इज इनफ, ये हो गया सेंट्रोइड का, ओके। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स, कैसे बनाना है ना। एक ट्रायंगल और बनाते हैं, एक ट्रायंगल उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एल्टीट्यूड्स बनाएंगे, ओके। नाउ मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, आपको आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमको क्या करना है, अब एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी लाइन में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस तरह से आप रखेंगे, समझ में आ रहा है आपका पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, है ना, यहाँ से आप इस तरह से यहाँ पे दो पॉइंट कटना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें दो पॉइंट्स कटना चाहिए, ठीक है, ठीक रहा है, ऐसे कटा दो पॉइंट्स, एक तो खुद बी के पास आ गया, है ना, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसको लेंगे हम लोग, ठीक है, एक यहाँ से लेंगे इस पॉइंट से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ से इस तरह से आर्क खींचना है आपको इधर, फिर ये इस पॉइंट से आर्क खींचेंगे, विल ड्रॉ एन आर्क, नाउ जॉइन दिस वन विथ ए,
ठीक है, आपको इधर उधर कहीं ज्वाइन नहीं करना, ए पे ज्वाइन करना है। ए पे ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो तीसरे एटीट्यूड आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करना है। परपेंडिकुलर है ये, लाइक वाइज एक और बनाएंगे। आप चाहे तो बेस साइड इसको ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बेस साइड हो सकता है या फिर ये ए बी हो सकता है या ए सी हो सकता है। वे टेकन बेस साइड एज ए बी सी फर्स्ट, तो कोई दो में से एक लेंगे, ठीक है। तीनों करने की जरूरत नहीं है, तीनों करने से कन्फ्यूजन होगा। सो ए बी और ए सी विच आर यू वॉन्ट, यहाँ पे हम ए सी एज ए बेस साइड लेते हैं। बी से ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ए के पास जा रहा है, ठीक है। समझ में दिखा। नेक्स्ट, नाउ आई विल ड्रॉ एन आर्क, ज़्यादा बाहर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको इसको बी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। दिख रहा है किस तरह से आएगा, दोनों मंत्र आया कैसे आ रहा है ना। आई आर गेटिंग डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ से आर्क लिया हमने, इस पॉइंट से आर्क लिया इस तरह से, ठीक है। फिर इस पॉइंट से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, इस पॉइंट से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से दोनों आर्क इंटरसेक्ट किया, उसको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बी से ज्वाइन कर दिया, ओके। ज्वाइन करने के बाद हमको मिला एक पॉइंट, द पॉइंट वी गॉट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ तक हो गया, ये हो गया ए डी और ए। तो ए डी जो है, ए डी जो है इधर नहीं, ये लाइन तो आपने एल्टीट्यूड के लिए ड्रॉ किया था, लेकिन एल्टीट्यूड सिर्फ इतना ही होगा, ए डी है ना, इस पॉइंट पे आएगा। तो ए डी जो है वो एल्टीट्यूड है, ए डी और बी ई है ना, ए डी और बी ई। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। सो हैव अ प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ईजी चीज़ें हैं, थोड़ा सा लगेगा आपको, है ना। दो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है, एक सेंट्रॉइड निकालना और एक ऑर्थो सेंटर निकालना, ओके। तो ये प्रैक्टिस करके मुझे दिखाइएगा, आप सबमिट करिएगा असाइनमेंट्स के तौर पे, ठीक है, कि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कर रहे हैं, ओके। थैंक यू।